ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम टू द हाई प्रिस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हैं, हेल्दी हैं एंड आप सबका ख्याल रख रहे हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस हाई प्रिस्टेस फैमिली। एंड आज का जो रीडिंग है ये बहुत जनरल रीडिंग है, सो आई होप इट रेजनेट्स। इफ इट डजन डोंट फोर्स इट। आज का रीडिंग है अबाउट थर्ड पार्टी वर्सेज यू या यू वर्सेज थर्ड पार्टी। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है या आप तीनों एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। जिन लोगों को नहीं पता है या आपको बस शक है, आप लोग भी देख सकते हो, बट देन आई डोंट थिंक इट विल रेजोनेट। बट एनी वेज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा उनका फीलिंग्स आपके तरफ क्या है एंड देन वी विल सी कि उनका फीलिंग्स थर्ड पर्सन की तरफ कैसा है। ठीक है, ओके। सो हाउ डू यू फील अबाउट यू? यू हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, द सन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द डॉटर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मदर ऑफ कप्स इन रिवर्स, द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, We'll take three more cards. Their feeling towards you, right now. Their feelings towards you. Their feelings towards you. ये बहुत general reading है. It might not resonate with everyone, but we will see. Their feeling towards you. Three more cards. Okay. We have temperance. We have the Five of Swords and another card. Okay, Three of Wands in reverse. Okay. Let me see. Just give me a minute. Okay. So the first feeling I'm getting here is ऑब्वियसली आपको पता है देयर इज अ थर्ड पार्टी। फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको पता है। एंड इस थर्ड पार्टी के आने से पहले सब कुछ बहुत सही था आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज हो या नॉर्मल रिलेशनशिप हो, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, द सन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आई थिंक आपको पता चल चुका है ऑलरेडी अबाउट दिस थर्ड पर्सन। ये नया कुछ नहीं है, दिस इज नॉट न्यू। आपको पहले से शक था कि आपके पर्सन पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं एंड आपका मतलब आपका जो शक था वो सही निकला। एंड विद द डॉटर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आई थिंक बेसिकली आपको शक था इसीलिए आपको पता चला। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपको सामने से आके कभी नहीं बताते अगर आपको पता नहीं चलता। एंड ये जानने के बाद आप ऑब्वियसली आप हर्ट हुई थी, बट यू ब्रोक अप। ठीक है, बेसिकली यू ब्रोक अप, या आप उस पर्सन को छोड़ दिए हो, या आप लाइक एकदम क्लियर कर दिए हो। आपको जो बोलना था आप क्लियरली बोल चुके हो उनको, या आप एक डिसीजन तक पहुंच चुके हो अपने मन ही मन, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर डिसीजन। आपका आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये चीज़ को लेके। एंड इफ़ यू आस्क अबाउट दैट पर्सन, तो वो पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं, मुझे ये फीलिंग आ रहा है विद दिस कार्ड। उनको अभी भी होप है कि मे बी वो आपके पास आ सकते हैं कभी। विद द मदर ऑफ कप्स इन रिवर्स, आई थिंक आप उस पर्सन को चांस देना नहीं चाहते एकदम भी, क्योंकि आपको पता चल चुका है ऑब्वियसली कि ये पर्सन सही नहीं है।
एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि बहुत लोगों के लिए मे बी आप दोनों का एक बच्चा है और मे बी समवन इज प्रेग्नेंट हियर. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग मे बी आप मे बी वो जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो, या आप अगर आप मेल वॉचर है तो मे बी योर पर्सन द फीमेल हियर कैन बी प्रेग्नेंट, या फिर वो प्रेग्नेंट थी पहले जो आपको पता चला, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है. बट समवन इज प्रेग्नेंट, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी किसी के लिए. बट द फीलिंग आई एम गेटिंग इज कि इस पर्सन को अभी भी होप है कि ये वापस आएंगे कभी एंड आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे या माफ़ कर दोगे. ये बहुत शातिर है एंड ये प्लान करते हैं ये सब बहुत ज़्यादा, अपना दिमाग बहुत चलाते हैं ये सब चीज़ों में. इनको अभी होप है बट आपके साइड से मुझे कोई होप नहीं दिख रहा है. आप गिव अप कर चुके हो, यू आर डिस्गस्टेड विद दिस पर्सन. आप डिसीजन ले चुके हो कि कुछ भी हो जाए आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है. ठीक है, विद द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, अगर ये पर्सन वापस आएगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे इस पर्सन को. एंड जब ये थर्ड पर्सन के बारे में आपको पता चला था तो आपके जो पर्सन है उनको भी एज अ शॉक ये चीज़ आया था. आई मीन वो कभी सोचे भी नहीं थे कि आपको पता चलेगा, बट आपको पता चल गया. ये आपको मैनिपुलेट करने का बहुत कोशिश किए थे पहले, अगर नहीं किए थे तो ये फ्यूचर में ज़रूर करेंगे, आपको समझाने का, अपना एक्सक्यूज़ देने का कुछ ना कुछ कोशिश ये करेंगे, क्योंकि इनको अभी होप है कि मे बी आप दोनों के बीच में सब सही हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए वापस आएंगे आपके लाइफ में. कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग दिस फीलिंग. ठीक है, देन वी हैव द टेम्परेंस. टेम्परेंस का मतलब है कि ये पर्सन एक तो आपको बहुत रुलाए हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किए हैं. अगेन आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ अ बेबी. किसी का चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन हियर, किसी का बच्चा. ठीक है, इट मे रेजोनेट विद सम ऑफ यू. बहुत रुलाए हैं इस पर्सन आपको एंड आप या तो आप अभी सिंगल हो या फिर आपके पर्सन लोगों को ऐसा दिखाते हैं, मे बी वो एक प्लेयर है, वो ऐसे सबको बताते हैं कि वो सिंगल है लेकिन असल में वो नहीं है, वो शायद डबल टाइमिंग करते हैं, वो उनका ये आदत है चीट करना लोगों को, या फिर ऐसा दिखाना कि मैं तो सिंगल हूँ, आई एम अवेलेबल. ये पर्सन को ये अच्छा लगता है कि दुनिया उनको देखे कि ही इज़ वेरी अवेलेबल. विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन, अगेन आई एम गेटिंग द फीलिंग ये पर्सन आपको वापस मैनिपुलेट करेंगे अगर अभी तक नहीं किए हैं तो. कोई बहाना लेके वापस आएंगे, झूठ सच बोल के आपको समझाने का एक कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके मन में, इनके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है कि सिंस ये पकड़े गए हैं या जो भी, ये अभी दोनों पार्टी को बैलेंस करने का सोच रहे हैं. बेसिकली आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ये सोच रहा है कि दोनों को कैसे समझाएं, लाइक कैसे बैलेंस आउट करें, कैसे आपको यकीन दिलाए कि वो इनोसेंट है, लेकिन वो इनोसेंट नहीं है ऑफकोर्स. मे बी ये किसी एक पर्सन को कट ऑफ करने के बारे में सोच भी रहे हैं किसी किसी के लिए, बट बहुत कम. या बेसिकली मे बी किसी किसी के लिए सोच रहे हैं कि दूसरे पर्सन को ये कट ऑफ कर दे, लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं चाहते हैं करना. बट अगर इनका फैमिली इन्वॉल्व है तो मे बी कुछ लोगों के लिए अगर जिसके साथ भी इस पर्सन का एक फैमिली है, मे बी वो फैमिली के लिए चाहते हैं कि वो दूसरे पर्सन को कट ऑफ कर दे. किसी के साथ इनका कोई बच्चा अगर रिलेटेड है तो वो चाहते हैं कि उस बच्चे का जो मॉम है, डैड है, उनके साथ ये रहे. बट एट द सेम टाइम ये लॉयल नहीं रहेंगे, क्योंकि वी हैव द टेम्परेंस कार्ड हियर विच टॉक्स अबाउट बीइंग सिंगल. समटाइम्स आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ बीइंग सिंगल. तो मे बी ये स्टिल दिखाएंगे कि ये सिंगल है एंड ये फर्दर फ्यूचर में भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं किसी किसी के लिए. ओके, वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. सो आई थिंक आप बहुत देर तक या बहुत दिनों तक आप वेट किए थे इस पर्सन का, शायद ये बदल जाएंगे, शायद ये अपनी गलती का एहसास हो जाएगा इनको, बट ऐसा नहीं हुआ. एंड देन यू क्लोज्ड ऑफ, आप इनका चैप्टर क्लोज कर चुके हो. अगर आप लाइक डिवोर्स नहीं हुआ है, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, देन आप मन ही मन ये लाइक ठान लिए हो कि अभी इस पर्सन के साथ आपको डील नहीं करना है.
सो दिस इज़ योर सिनेरियो दैट आई एम गेटिंग. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट दे आर फीलिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी. ओके, लेट मी रिमूव दिस. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी. That feelings towards the third party, feelings towards the third person. We have the Two of Cups in reverse. Wow. Feelings towards the third person. Feelings towards the third person. Third party situation. Feeling towards the third person. Let's see. Ooh, we have the Four of Wands in reverse. Wow. We have the Father of Pentacles in reverse. We have the Six of Pentacles. Strength. You have the Four of Cups, the Moon, and we have the Eight of Cups. Okay. Let me see. Okay, so the thing I'm seeing here is with the third person, with the Two of Cups in reverse, we also have this Four of Wands in reverse. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक मैरिज है, मे बी वो आपसे मैरिड है या तो वो इस थर्ड पर्सन से मैरिड है, बट वो मैरिड लाइफ में एकदम खुशी नहीं है. वो जिसके साथ भी मैरिड हो उस मैरिड लाइफ में एकदम हैप्पीनेस नहीं है इस वक्त. विद द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, आई थिंक थर्ड पर्सन के लिए उनके दिल में कुछ नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ठीक है, ही इज़ नॉट वेरी इमोशनली अटैच्ड विद दिस थर्ड पर्सन. वो मे बी ऐसा दिखाते हैं कि उनको बहुत प्यार है इस थर्ड पार्टी से या बहुत अटैचमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मे बी ये थर्ड पर्सन से इसीलिए रिलेशन में है, मे बी उनको कुछ मिलता है इस थर्ड पर्सन से, वो कुछ भी हो सकता है. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक इट इज़ मनी. ठीक है, मे बी मनीटरी हेल्प या फिर गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसा, कम्फर्ट, लग्जरी, कुछ ऐसा कुछ मिलता है इनको इस थर्ड पर्सन से, इसीलिए ये इनके साथ अभी भी है. ठीक है, अगर ये लोग अभी भी रिलेशन में है तो ठीक है, लेकिन इनके दिल में इमोशनली उतना कुछ अटैचमेंट नहीं है इस थर्ड पर्सन से. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ मनी. मे बी इनको पैसा मिलता है, मे बी ये साथ में बिजनेस करते हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर्स है या तो कलीग्स है या तो साथ में काम करते हैं ये और ये थर्ड पार्टी, एंड इनको वहाँ से कुछ मिलता है. इट कैन बी एनी थिंग. ठीक है, इनको कुछ मिल सकता है इनसे. सो मे बी इसीलिए है, मे बी जस्ट अट्रैक्शन, मे बी फिजिकल अटेंशन, यू नो वॉट आई मीन. सो आई थिंक समथिंग लाइक दैट, या तो मनी या फिर ये दोनों वर्क सिचुएशन में मिले थे, मे बी कोलीग्स थे या बिजनेस में कुछ इन लोगों का साथ में बिजनेस करते थे जब ये अफेयर स्टार्ट हुआ तो, और मे बी साथ में पढ़ाई करते थे या समथिंग लाइक दैट. विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई थिंक ये थर्ड पर्सन को ये ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन असल में शायद ये ऐसे नहीं है. ये ऐसा दिखावा करते हैं, ये जितना मतलब बढ़ा चढ़ा के अपने आप को इस थर्ड पर्सन के सामने ये रखते हैं अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट मे बी रियलिटी में वैसा कुछ है ही नहीं. बहुत झूठ, बहुत मास्क है, डिसेप्शन है,
विद द फोर ऑफ कप्स आई थिंक कि मे बी ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन से प्यार करते हैं या करती हैं, बट ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ प्यार की वजह से, इमोशनल की वजह से नहीं है. ठीक है, दैट इज़ द क्लियर मैसेज हियर. आपके पर्सन इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं है, ये अटैचमेंट किसी और चीज़ का है. अब वो क्या चीज़ है ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. बट द वाइब आई एम गेटिंग इज कि या तो ये दोनों साथ में काम करते हैं किसी भी बिजनेस वट एवर, या तो इनको बहुत पैसा लग्जरी ये सब मिलता है, या तो इट इज़ समथिंग फिजिकल. ठीक है, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग नाउ. इट कैन बी डिफरेंट, बट ऐसा ये दिखाते हैं ये बहुत महान है. बट ये थर्ड पर्सन मे बी आपके पर्सन से अटैच्ड है इमोशनली, बट आपके पर्सन ये पर्सन से इमोशनली अटैच्ड नहीं है. ठीक है, एंड दे आर जस्ट यूजिंग दिस थर्ड पर्सन फॉर आई डोंट नो वॉट. विद द मून आई थिंक यहाँ पे भी एक मून है, एंड द फोर ऑफ कप्स के कार्ड में भी आई एम सीइंग अ मून. सो आई थिंक जैसे आपको पता चला है इस थर्ड पर्सन के बारे में, आपको शक है या पता चल चुका है, इस थर्ड पर्सन को भी शक है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है. वो आप हो सकते हो या फिर मे बी वो मल्टीपल पार्टी हो सकता है, मे बी और कोई है इस पूरे केस में. तो मे बी उस थर्ड पर्सन को भी आपके पर्सन पे शक है कि ये चीट कर रहे हैं या कुछ चल रहा है, एंड समथिंग इज ऑन. सो आई एम सीइंग दैट. विद द एट ऑफ कप्स आई थिंक आपके पर्सन ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको जो मिल रहा है अटेंशन हो या लग्जरी या जो भी मिल रहा है उनको, ये वो गंवाना नहीं चाहते. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आपके पर्सन ये थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ना चाह रहे इस वक्त. ठीक है, लेकिन उनके मन में था, जैसे कि आप दोनों का जो कार्ड हम लाइक जो स्प्रेड हुआ था इससे पहले, उसमें था ना कि आपके पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट लीविंग समवन लेकिन नहीं छोड़ पा रहे. सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि उनको यहाँ से कुछ मिल रहा है, लग्जरी एफर्ट, सम फिजिकल अटेंशन, समथिंग. सो ही इज़ नॉट विलिंग टू लीव दिस पर्सन राइट नाउ, बट ये एनर्जीज है, एनर्जीज कैन चेंज एनी टाइम. ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक फीलिंग आई एम गेटिंग राइट नाउ. सो आई होप इट रेजोनेटेड. बट आपके लिए वी विल टेक सम मोनोलॉजी कार्ड्स फॉर सम जनरल एडवाइस कि आप इस वक्त क्या कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यू नो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है हाउ दे शुड रिएक्ट. बट दिस आपके साथ भी उनका बहुत इमोशनल कोई अटैचमेंट मुझे नहीं दिखा, क्योंकि कोई कप्स का उतना कार्ड नहीं था. सो आई थिंक वो इमोशनली किसी से भी अटैच्ड नहीं है. ये थर्ड पर्सन के साथ वो है क्योंकि वहाँ से उनका कुछ फ़ायदा होता है, इसीलिए दैट्स इट. बाकी ये पर्सन मुझे बहुत मैनिपुलेटिव लगा. ओके, वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. ओके, बैल्समिक मून, अ टाइम फॉर हीलिंग. वॉइड ऑफकोर्स मून, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. विल टेक अनदर कार्ड. थर्ड क्वार्टर मून, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ओके, लेट मी सी. सो द एडवाइस फॉर यू हियर इज विद द वैक्सिंग मून द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. मतलब अगर आप मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस पर्सन को पीछे छोड़ने के लिए अपने लाइफ में, क्योंकि आप मे बी बहुत इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में. आप बहुत चाहते थे कि ये वर्कआउट करे, बट सिंस ये नहीं किया तो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि इट विल यू विल बी ओके. ठीक है, आपका जो भी पेन है अभी, आपका जो भी लाइक हार्ट ब्रेक हुआ है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा. द टाइम फॉर हीलिंग, ये आपका टाइम है हील करने का. आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑल्सो हैव द कार्ड नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. सो आप ये सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप अभी आपका टाइम है फॉर हीलिंग. ये पर्सन जो भी थे, जैसा भी था, जो भी किया आपके साथ, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट. ठीक है, इट इज़ टाइम कि आप अपने बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें, अपने लाइफ से यू नो अपने लाइफ को आगे लेके जाए, एंड यू वर्क ऑन योर सेल्फ बेसिकली. ठीक है, and then we have your hard work is paying off. So I think bahut log you are working on yourself. Aap bahut koshish kar rahe ho to move on, to get a better life, to go ahead and live your own life. You will meet better person.
यू विल मीट अ बेटर पर्सन बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर पर्सन ऑफ कोर्स. सो आपका जो हार्ड वर्क है अपने आप पे, अपने ऊपर आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ पेइंग ऑफ. डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स विल ब्रिंग समथिंग मच 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 बेटर देन दिस पर्सन. ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो मे बी आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, कोई कोई मे बी इस पर्सन के साथ अभी भी डील कर रहे हो, या आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, या समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई अटैचमेंट है आपका इस पर्सन के साथ, मे बी कोई चाइल्ड, कोई बच्चा हो सकता है. सो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड. मे बी आपको कोई लीगल, मुझे ये लीगल वाला मैसेज आ रहा है कि समथिंग लीगल इज़ लेफ्ट, या फिर लीगली आपको कुछ प्रोसीडिंग्स बाकी है, या बच्चे की कस्टडी के बारे में कुछ प्रोसीडिंग्स बाकी हैं. आई जस्ट गॉट दिस मैसेज, आई डोंट नो फॉर हुम दिस इज, बट आई जस्ट गॉट दिस मैसेज, समथिंग लीगल इज़ लेफ्ट. सो मे बी दैट. सो या दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे लेट मी टेल यू, ये आपकी फ्री विल है, आप इनके साथ रहो ना रहो, इट इज़ ऑलवेज योर फ्री विल. अगर आप वेट करना चाहते हो इस पर्सन का, आप कर सकते हो. आप मूव ऑन करना चाहते हो, द यूनिवर्स इज़ विथ यू. So that was your reading, you versus third party. I hope it resonated. If it did, please like and share the video and be a part of this family. Subscribe to the channel and मुझे comments में बताइए कि ये resonate किया कि नहीं, and आपको future में कैसे readings पसंद है. So thank you so much. Stay happy and blessed.